आज आप सोच रहे होंगे हम दोनों इतने खुश क्यों हैं? आपको पता होगा आमिर भाई ने अपने चैनल पे क्या रखा था, गिव अवे। फाइनली आमिर भाई ने वो वाला गिव अवे अनाउंस करने वाले। आमिर भाई ने हमें बता दिया कि गिव अवे के विनर कौन है, हम दोनों। इतनी खुशी कभी हो नहीं सकती। RS 200 का अनाउंस हो जाएगा आधे घंटे में। वीडियो आने वाली है उनकी, वो भी देख लेना। बाकी आपको आमिर भाई की वीडियो में भी देखने के लिए मिल जाएगा। आमिर भाई फाइनली विनर अनाउंस करने वाले जो कि हम दोनों बन चुके हैं। इस बार में आप क्या क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। क्या हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? गाइस अगर सच हुआ ना यार तो आपने ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या करना? सब्सक्राइब। और हम बता दें आमिर भाई ना विद इन वीक राजौरी सिटी आने वाले हैं। एक बड़ा सा मीटअप रखेंगे और उसमें मीटअप पे हम दोनों को बाइक देने वाले, वो भी RS 200। कमेंट बॉक्स में आज कंग्रेचुलेशन पहले लिख दे यार, हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। नेक्स्ट बेटा ये वो आ रही है आमिर भाई की साइड से। आपको पता होगा आमिर भाई और आर्य ब्लॉग के बीच में रोड रेज हो चुकी है, तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। क्या 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 खराब हुआ? क्या चाहिए बताना? आगे कैसे लगाई तूने? चल चल। बहुत से बंदे पूछ रहे थे हमसे यार ये रियल है या फेक है। सगाई सामने बता दे यार ये ब्लॉग है यार, ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड ब्लॉग है। सगाई यहां पे आपको कमेंट्स हो रहे होंगे, कमेंट्स भी बहुत सारे आए यार ये स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है। आमिर भाई और आलियान ब्लॉग में पहले भी कुछ भी नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक दूसरे के ब्लॉग में आना छोड़ गए थे। एक या दो दिन के अंदर आलियान ब्लॉग भी आमिर भाई के चैनल पे आपको दिख सकते हैं। अपना आलियान ब्लॉग और आमिर भाई का कॉम्बो बन चुका है यार, अपना तबाही तबाही ब्लॉग आने वाला है। ये वाली वीडियो आलियान ब्लॉग ने भी अपने चैनल पे डाली थी, आमिर भाई ने भी डाली थी, बिग डील ने भी डाली थी, सभी क्रिएटर्स ने एक ही टाइम पे ये वीडियो अपने चैनल पे डाली थी। एक चपेट की लगी ना बेशर्म, अकड़ होती है थोड़ी बड़ी बंदे को। इधर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बार बार कान में मेरे तीले दे रहा है, शर्म होती है थोड़ी बड़ी बंदे को। शर्म ही बेची खाई है पता नहीं मेरे कान से। इधर नेक्स्ट बिटा रही है वो ये राजा डीसी की साइड से। राजा डीसी ने आमिर भाई को पोक किया। पोक करते हैं ये कहा कि यार वो एक जगह पे गए थे घूमने के लिए, जो पहले पाकिस्तान के अंदर में थी यार, वो अब इंडिया के अंदर में हो गया। वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे ना एक खोपचा सा दिखता है, वहाँ पे ना शफकत और राजा डीसी वहाँ पे बात करता है यार। वहाँ पे बोलते हैं यार यहाँ पे पहले ना गधे रहा करते थे, अब वो गधे जो थे थोड़े बहुत वो जम्मू में चलेंगे। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। इधर गधे वधे ये सब बंद रखते हैं, इधर गधे इसके अंदर बंद होते हैं। बट मेरे ख्याल से जब जंग हुई थी इधर से गधे निकल के भाग गए हैं। कहाँ पहुंचे हैं मेरे ख्याल से? पाकिस्तान, जो गधे थे उनको पाकिस्तान भगा दिया था। ठीक है, एक आधे गधे हमारे जम्मू में भी हैं। अब मुझे समझ आई कि भाई इधर से गधे भाग के कहाँ गए हैं। सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में सब लिख ही देंगे कि इधर से गधे भाग के कहाँ पहुंच गए हैं। यार वहाँ पे पुराने जमाने के गाइस काफी ज्यादा हथियार पड़े हुए थे और वहाँ पे हथौड़ा भी पड़ा हुआ था। तो राजा डीसी ने बोला गाइस ये वाला हथौड़ा गधे के सिर में मारा हो तो गधे को स्वाद आ जाए। सबसे पहले आप क्लिप भी देख लो। थोड़ा देख, ये पड़ेगा गधे के सर में। ये जो राजा डीसी है ना ये खाली बाहर जाके बंदूक को पोक करता है, लद्दाख वाली साइड जाके। ऐसे ये बाहर होता ना बड़ा शियार समझता अपने को, मैं बड़ा शियार होता हूं पोक करके। जम्मू आ जाऊंगा तो मेरे को पूछेगा नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो रे सौरभ शर्मा की। जैसे गाइस आपको बताओ यार, सौरभ शर्मा का जो है राजौरी में वो एक्सीडेंट हो चुका था, अब वो अमृतसर में शिफ्ट हो चुके हैं। उनका ना ऑपरेशन जो है वो दोनों बाजू का सक्सेसफुल हो चुका है। जानू सर ने बताया उनका जो ऑपरेशन है वो पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। फाइनली 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 सौरभ भाई का भाई ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। उनकी दोनों बाजू ठीक, मतलब की ठीक नहीं बोल सकते, टाइम लगे एक दो महीने, बट ऑपरेशन जो पेट वगैरह डिलीवरी हो चुका है। नेक्स्ट बेटा आ रही है वो आ रही जानू स्टंट की साइड से। तो जो नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही जानू जी की साइड से। जानू स्टंट ने बताया तब तक सौरभ भाई ठीक ठाक नहीं हो जाते यार, तब तक मैं अपनी चैनल जो है वो रैप जो है कभी भी रिवील नहीं करने वाला, ना ही मैं मीटअप रखने वाला हूँ। जैसे वो यार ठीक हो जाएंगे तभी मैं जम्मू में मीटअप रखूंगा और अपनी चैनल को रिवील करूंगा। सौरभ सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। जिस दिन भाई सौरभ भाई ठीक होगा ना उसी दिन भाई आपका भाई जो है, मतलब जिस दिन सौरभ भाई ठीक हो गया घर आ जाएगा उसी दिन भाई मैं आपको बता मेरा मीटअप करना था जम्मू, उस दिन मीटअप करूंगा, उसी दिन अपनी चैनल रिवील करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा भाई। नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही UKG 7 राइडर की साइड से। UKG 7 राइडर ने बताया मैं अपनी गाड़ी के ऊपर ऑरेंज कलर वाला रैप कराने वाला हूं, तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। बट ये चेक करो ये ऑरेंज रैप हम लोग करने के सोचते हैं, बिकॉज़ यू नो NFS में पॉल वॉकर के पास यही वाली थीम पे थी। एंड थिंकिंग हम लोग सोच रहे हैं इस पे ब्लैक भी करवा लें। अभी विल आपको सी की ब्लैक कैसा लगता है, पर हम लोग व्हाइट का भी सोच रहे थे। एक फोटो मैंने देखी थी Instagram पे, स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, चेक कर लेना। सो ये रैप हम लोगों ने ऑलमोस्ट फाइनल करा है, इस रैप की क्वालिटी प्रभु भाई बताएंगे। प्रभु भाई टेल अस द UKG 7 राइडर ने हर्ष को iPhone 14 Pro Max भी लेके दिया। Max दिया? हां 14 Pro। हां तो सान किया दिया, तो क्या हुआ सान किया तो दिया, पर अब बोरा 14 Pro Max दिया तो दुबई में सस्ता मिलने 40-50 हज़ार का मिल जाता ना। सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। ये लो मेरे भाई ये आईफोन तुम्हारे लिए। शुक्रिया मेरे भाई। जट प्रभजोत ने बताया कि मैं बिग बॉस कैंसिल कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। इन चीज जो हमारा फाइनल डिसीजन है कि भाई हम बिग बॉस में नहीं जा रहे हैं। बाकी आपने देख ही लिया कि अभी मम्मी से भी बात हुई और मम्मी ने भी यही बोला। मुझे ये चीज समझ जल्दी यार, परसों ये बोल रहा है मैं बिग बॉस में जाने वाला हूँ, कल ये बोल रहे यार मम्मा नहीं मान रहे, आज बोल रहे हैं कैंसिल हो गया। गल पूरी के चक्का फराग इन्होंने लाइक की गलत आसना हाँ या ना, और कल टाइटल है मैंने जाना है सोच लिया जाने का। तो फिर आगे आपको पता ही है कि हम बड़ी कुत्ती चीजें यार। मैं आपको एक बात बता दूंगा, इस जट प्रभजोत को पहली बात बिग बॉस में बुलाया ही नहीं, मुझे लगता है जट प्रभजोत हमारे साथ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। बड़ी सी बोल रहा था तू, पहले कहाँ था? एक्ट पेड़ की लगी ना बेशर्म, इतनी सही हिंदी बोली है मैंने, मजाक उड़ा था मेरा। नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है जेपी ब्लॉग की साइड से। आपको पता होगा जेपी ब्लॉग ने कल एक लड़की को लिफ्ट दी थी। जेपी ब्लॉग ने बताया कि उसी लड़की ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और मेरे को कॉफी में बुलाया। कॉफी में बुलाया? हाँ। तो सबसे पहले आप क्लिप भी देख लो। तो जो लड़की ने मिली थी ना, तो उससे हमने भाई इंस्टाग्राम आईडी वगैरह ले ली थी, तो उससे हमारी बात हो रही थी। सो अभी हमारी बात हुई है, जो हमारी मिलने की बात हुई अभी। नहीं, मैंने उस दिन के बाद उनको कॉल ही नहीं किया। पहले तो वाइल्ड बुल्स और मानी कतरी के शुरू हुए थे और वो अब खत्म हो चुके हैं। अब जेपी ब्लॉग के एपिसोड शुरू होने वाले और पता नहीं कब खत्म होंगे, और ब्लॉग के चैनल पर। नेक्स्ट बिट आ रही है वो आ रही है हमारे चैनल की साइड से। हमें एक बंदे ने रोस्ट किया। क्या रोस्ट किया? हाँ। कैसे? तो सबसे पहले आप क्लिप भी देख लो। तो जो बंदा इस वीडियो को पूरा देखने देता है पिन कमेंट में लिंक दिख रही होगी यार, जाके ना प्यार बरसा देना। अगर आप वीडियो देखते हैं तो यहाँ तक पहुँचो, आज मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके फैन हो। शाम बता दे हाँ मामी भाई के ना कट्टर वाले फैन हो रहा हाँ मामी भाई को जिससे प्यार करते हैं, जिससे प्यार करते हैं। और गाइस यार हम मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी बॉडी देखो, सिक्स पैक देखो, दिखा। तेरे को जिम कितने दिन हो गए जाते हुए? आज हो गए 31 दिन। बैक दिखा, बैक पीछे हो, ये चेक करो गाइस, जो बंदा जिम जाता ना उसको भी पीछे मारता है ये।